नाम क्या भाई? शिवराज। शिवराज। ठीक है, पहला प्रश्न ये तेरा। रोड साइन है, सभी प्रकार के वाहनों का अनुमना। सभी प्रकार के वाहन निषेध। ठीक हाँ, ये वाहनों है, ये वाला ट्रक को आना मना है। सर, बैलगाड़ी का आना मना बैलगाड़ी का ना मना है। मना। ठीक है, ठीक गाड़ी के जो हैंड ब्रेक हैं जी सर। वो किन टायरों में लगते हैं? अगले टायरों में या पिछले में? पिछले टायरों में पिछले टायरों में। डिफरेंशियल जो होता है आपका, जी सर। उसका मतलब क्या होता है? गाड़ी में क्यों लगाते हैं डिफरेंशियल को? सर, जब गाड़ी टर्न लेती है तो उनके पहियों को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंशियल का प्रयोग। डिफरेंशियल का मतलब है कंट्रोल करना, नहीं है वो किसी से कि चाल को एक विशेष अनुपात में देना। अच्छा। ठीक है, कि एक टायर ज्यादा चलेगा, टायर एक कम टायर चले कम चलेगा, तो वो हो जब। गया टायरों का एक रेशियो चाल का। जो आपका टू स्ट्रोक इंजन होता है जी सर। उसका जो सेक्शन स्ट्रोक होता है, पहले वाला मान लो ये पहली क्रिया है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज अंदर जाएगी? उसके उसमें एयर, पेट्रोल और वो एयर, पेट्रोल पेट्रोल और और जो लिक्विड उसमें यूज करते हैं क्रैंक केस में जो होता है। लुब्रिकेशन के लिए, हाँ। लुब्रिकेशन ऑयल, तीन चीजें इनके जी अंदर जाएंगे आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेक है जो, सर। वो अगर उनको ज्यादा यूज में किया जाए तो क्या होगा? सर, किसी भी तार का शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो सकता है अगर बार बार ज्यादा यूज करेंगे उनका। जो मेनली जो ब्रेको का मैटर होता है ना, जब हम किसी भी ब्रेक का, उसमें इलेक्ट्रिक का मैटर नहीं होता, अच्छा। जब किसी भी ब्रेक को हम हद से ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे तो ब्रेक फेड होने का चांस होता है। जैसे मान ले हम पहाड़ से अगर नीचे उतार रहे हैं तो कई बार देखे हो ना, डिस्क गर्म होने के बाद में ब्रेक नहीं लगते, तो उसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होता है ब्रेक फेड होना, अच्छा। एक होता है ब्रेक फेल होना। ठीक है, अगर किसी प्रणाली में कोई विशेष समस्या आ जाए और ब्रेक बिल्कुल काम ना करें तो वो क्या कहलाएंगे आपके? फेल होना। ब्रेक फेल हो गए। फेड का मतलब होता है कि जो कुछ समय के लिए कार्य ना करें अच्छा और अगर अच्छा उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए तो फिर दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। जैसे वे हीट ब्रेक है, जब ठंडा हो जाएंगे वापस तो तो कार्य ठीक करने हो लग जाएंगे। जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हम हाइड्रो प्लानिंग, एक शब्द होता है रोड के ऊपर टायर का फिसलना, और ऐसे ही आपका होता है ब्रेकों के अंदर, कि जब ब्रेक है तो ब्रेकों में अगर आपका वाटर आ जाएगा बीच में, ब्रेक शू और डिस्क के बीच, तो क्या होगा वो? तब तो ब्रेक नहीं लग रहे, लेकिन जब वो सूख जाएगा तो अपने आप क्या होगा? ब्रेक लगने लग लग जाएंगे। तो उस अवस्था में जो ब्रेक ना लगेंगे उनको क्या कहेंगे हम? ब्रेक फेड होना। ठीक है, अगर वो पानी सूखने के बावजूद फिर बाद में बिल्कुल ना लगे ब्रेक, और ब्रेक तो वो फेल। ब्रेक फेल होंगे किसी प्रणाली में किसी प्रकार की कमी होने के कारण। रोड के ऊपर जलती बुझती आपकी पीली बत्ती है, अच्छा तो उसका अर्थ क्या होगा? सर, अगर स्टॉप लाइन से हम पहले हैं तो गाड़ी को रोक देंगे, अगर स्टॉप लाइन से आगे हैं तो हम चौराहा खाली कर देंगे। ठीक है, गाड़ी के अंदर रेडिएटर होता है, जी सर। तो रेडिएटर क्यों लगाया जाता है? गाड़ी को, सॉरी, इंजन के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, कि इंजन में किसी प्रकार की कोई दोष या प्रणाली ना हो। तो रेडिएटर के अंदर उसमें डालते क्या है? कूलेंट डालते हैं सर। कूलेंट। जी सर, कूलेंट को किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:3 के रेशियो में या 2:3 के साथ। 50-50 या 60-40। ठीक टू थ्री हो गया। है, लास्ट प्रश्न है तेरा। जी सर। यदि आप ब्रेक लगाते हैं तो अगले टायर कितने परसेंट रोकेंगे और पिछले टायर कितने परसेंट रोकते हैं ब्रेक लगने के सर, बाद? पीछे का 60%, आगे 40%। उल्टा बता रहे हो उसको। अगले वाले रोकेंगे 60% 60% और पीछे वाले रोकेंगे 40%। 40%। ठीक है, गुड। थैंक यू सर।